नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी वैसे बिहार के छात्र छात्राओं जिनको लेकर एक नया अपडेट निकल कर रही है बिहार सरकार के तरफ से, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी बिहार से हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, छात्र लड़का है या लड़की है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो सिर्फ वीडियो 2 मिनट का होगा, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को पाना में खोजे तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए बिना टाइम लिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन देख ला जो बिहार सरकार की तर्फ से जारी किया गया। देख सकते बताया पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तरफ से जारी किया बताया गया मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावास अनुदान योजना एवं छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना, यानी कि एक नया अपडेट किया गया है। देख सकते बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का यहाँ पिक्चर भी होगा, यानी फोटो भी होगा। अब चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी क्या इसमें बताया गया, क्या नया अपडेट किया गया है। चलिए इसमें पढ़ते हैं। बताया गया पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पटना द्वारा संचालित छात्रावास योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए सब आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास तथा सब आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के आवासीय छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावास अनुदान योजना अंतर्गत प्रतिमा 1000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में DBT के माध्यम से भुगतान के साथ ही छात्रावास के आवासीय छात्र छात्राओं के प्रतिमा खाद्यान्न आपूर्ति योजना के अंतर्गत 15 किलो यानी राशन मिलेगा, जिसमें 9 किलो चावल होगा और 6 किलो गेहूं होगा, खाद्यान्न मुफ्त में दी जाएगी। और इसमें साथ 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 आपको 1000 रुपया भी मिलेगा और साथ साथ आपको राशन भी मिलेगा, जिसमें बताया गया 9 किलो यानी कि चावल मिलेगा और 6 किलो गेहूं मिलेगा। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन भी कैसे करेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए इसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे बताया गया छात्रावास में दी जाने वाली सुविधा, यानी कौन कौन सी सुविधा आपको छात्रावास में दी जाएगी, इसमें बताएगा। फर्स्ट में बताया जैसे छात्रावास में आवासीय छात्र छात्राओं के मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आपको 1000 रुपये के अनुदान से रूप में DBT के माध्यम से छात्र छात्राओं के बैंक खाते में सीधे राशि का भेजा जाएगा, यानी कि DBT के माध्यम से आपको 1000 रुपये आपके लड़का हो या लड़के उनके खाते में भेजा जाएगा। दूसरे में बताया जैसे आवासीय छात्र छात्राओं के प्रति छात्रावास के खाद्यान्न आपूर्ति योजना अंतर्गत 15 किलो यानी राशन आपको मिलेगा, जिसमें 9 किलोग्राम चावल और 6 किलोग्राम गेहूं आपको खाद्यान्न बिहार राज्य खाद्य औषधिक आपूर्ति निगम द्वारा डोर टू डोर स्टेप एंड डोर स्टेप डिलीवरी के तहत मुख्य छात्रावास तक पहुँचाई जाएगी। ठीक है, आपको आएगी आप ऑटोमेटिक आपके जिस भी रूम में रहेंगे वहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी भी यानी आपके पास आ जाएगी, जो भी राशन होगा 15 किलो। ठीक है, ये हो गया यानी कि आपको सुविधा मिलने वाला। ठीक है, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। और बताया गया था अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास कहाँ कहाँ है, इसमें छात्रावास कौन कौन जिले में अभी है, अभी फिलहाल अभी सीट खाली है। इसमें बताया गया था अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास बताया गया वैशाली में, पटना में, खगड़िया, जमुई, रोहतास, भागलपुर, महिला यानी इसमें महिला के लिए होगा, उसके बाद शेखपुर, दरभंगे, मधेपुरा जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास की रिक्तियाँ उपलब्ध है। ठीक है, यानी महिला के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे कहाँ से आपको आवेदन करना है, आप ये देख लीजिए। अगर आप इस जिले से आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ देख सकते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है, कौन कौन से जिले में उपलब्ध है, ये तो हो गया अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास इतने जिले में उपलब्ध है। उसमें जो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना यानी जो छात्रावास है ये कौन कौन से जिले में उपलब्ध है बताया गया। देख सकते हैं शेखपुरा, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, बेगूसराय, नालंदा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुंगेर, गोपालगंज, औरंगाबाद, सुपौल, नवादा, बक्सर, भोजपुर, सारण, रोहतास, वैशाली, पश्चिम चंपारण एवं अरवल जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की रिक्तियाँ उपलब्ध है। यानी जो आपके सामने लिए हैं तो ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना इस जिले में उपलब्ध है, तो आप इसको अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन कहाँ से करना पड़ेगा। इसके लिए इच्छुक है, आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से इसमें बात है। उक्त छात्रावास में नामांकन हेतु इच्छुक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र छात्रा जो संबंधित जिले के छात्रावासों में निकटस्थ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से अध्ययनरत एवं संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त यानी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। इसमें बताया गया वैसे विद्यार्थी जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी से आते हैं
वैसे छात्र छात्र जो संबंधित जिले के छात्रावास के निकटस्थ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत है, वैसे संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और कल्याण विभाग पदाधिकारी छात्रावास अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें जो एडमिशन करा सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे पिछड़ा वर्ग के एवं अति पिछड़ा वर्ग के जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं, आप वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए, आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी जानकारी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। चलिए।